मिडिल ऑर्डर हमारा काम करेगा, आज मुझे पता है मिडिल ऑर्डर हमारा काम करेगा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज को तो कोई नहीं जानता, तो एशिया कप से बने हुए आ रहे हैं ये हमारे हीरो, क्योंकि इन्होंने इंडिया को हराया है, इंडिया जैसी टीम को कहां से कहां। हार्दिक पांड्या से जो है इन्होंने अपना बदला भी लिया है, इन्होंने जो बल्ला चलाया है अपने लास्ट मैच में इंडिया के आगे, सबसे पहले मैच में पांड्या ने दिखाया अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, और क्या बोलते हैं एशिया कप। मोहम्मद नवाज ने कहा कि मैं क्या कम हूँ किसी से, फिर उन्होंने बता भी दिया कि मैं ऑलराउंडर हूँ। फील्डिंग तो वो लाजवाब करते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या बोलते हैं इंडिया में एक चेंजिंग की है, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में तो सबको पता है कि ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो इसकी वजह से दिनेश कार्तिक को उसकी जगह रिप्लेस किया है। बहरहाल जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का भी है शादाब खान। शादाब खान तो सबको पता है वॉइस कैप्टन है और ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी देते हैं। उसके बाद आते हैं इफ्तिखार अहमद, हमारे चाचा है, उनको तो भाई कुछ नहीं बोला, वो तो भाई हर मैच में चल के जाते, कहीं बॉलिंग करेंगे कहीं बैटिंग करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। उसके बाद आता है हमारे शाहीन भाई, शाहीन के बारे में क्या बोलेंगे हम। शाहीन अफरीदी ऐसे बॉलर है जो पहला ओवर डालते हैं और पहले ओवर में विकेट चटका देते हैं, मतलब बैट्समैन परेशान है। ज्यादातर मैंने बैट्समैन को देखा है बॉल जो है बैट से लगाते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि बस उनका पहला ओवर जो है वो निकल जाए किसी तरीके से। बॉलर जो है दिल में दुआएं कर रहा होता है बैट्समैन, इसी तरह उन्होंने बहुत सारे बैट्समैन को परेशान किया, जिस तरह रोहित शर्मा, केएल राहुल को परेशान कर दिया। एरोन फिंच दुनिया के जाने माने बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन, उनको इतना परेशान किया है। शाहीन अफरीदी हमारे जो है बहुत मेन बॉलर है। आसिफ अली लॉर्ड, आसिफ अली जो है तो कौन नहीं जानता, आसिफ अली का तो क्लास ही अलग है। आसिफ अली जो है ऐसे बैट्समैन है जिनको अगर आप एक ओवर में 24-25 रन दे दें कि भाई आपने ये बनाने, आसिफ अली ऐसा हमारा प्लेयर है जो एक ओवर में बना सकता है, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आसिफ अली ऐसा प्लेयर है वो एक ओवर में 36 बना सकता है, 36 भी बना सकता है। आसिफ अली हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हमारा चीता प्लेयर है। अब आती है बारी हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ क्या जवाब बोलिंग कर रहे हैं, क्या जवाब बोलिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन स्विंग भी अच्छी करते हैं, आउट अगर हारिस कर रहे हैं, हारिस और शाहीन दोनों चल गए, इंडिया 100 भी नहीं बना पाएगी। अगर हारिस अपनी परफॉर्मेंस में आ गए, वो यॉर्कर ऐसी मारते हैं, हारिस रऊफ की यॉर्कर के वो बैट्समैन को मुंह के बल गिरा देते हैं। हमारे हारिस जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन को पूरा परेशान कर देते हैं। वो नसीम शाह की तो हर कोई जानता है कि नसीम शाह के चर्चे बहुत चल रहे हैं। नसीम शाह ने तो अफगानिस्तान को परेशान कर दिया, इंडिया को परेशान कर दिया, जबकि उनके पैर में इतना मसला था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है बॉलिंग की। बैट्समैन भी अच्छे हैं, वो बॉलिंग तो करते ही बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो बैट्समैन बॉलर के लिहाज से है, क्योंकि बैट्समैन तो अलग हो जाता है ना, वो तो ऑलराउंडर कहलाता है फिर, लेकिन फिलहाल तो वो बॉलर है, वो बॉलिंग की है, बॉलिंग की हैसियत से है। कभी कभी इनका ना वो क्या होता है बल्ला चल जाता है। वैसे देखा जाए नो डाउट पाकिस्तान का स्क्वाड और इंडिया का स्क्वाड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आएगा बैटिंग और बॉलिंग दोनों देखने में, दोनों इनिंग में मजा आएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान 15 मिनट बाकी है मैच शुरू होने में, और बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि मैच जल्दी से शुरू हो। क्रिकेट के शायकीन ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है, बहुत बेसब्री से इंतजार। लोगों ने स्क्रीनें लगाई हुई है बाकायदा यार, हॉल में स्क्रीन लगाई हुई है, जगह जगह पे स्क्रीन लगाई हुई है, मतलब यूनिवर्सिटी में स्क्रीनें चल रही है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। दुनिया में इतनी मसरूफियात के बावजूद लोग इतना जो है क्रिकेट को मोहब्बत करते हैं, इतना उसको देखते हैं, जानते मानते हैं। अभी जो टॉस हुआ है, इंडिया ने टॉस जीत कर जो है बॉलिंग का फैसला किया है, चेस करेंगे वो, पाकिस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी है, तो आए देखते हैं। बस चंद मिनटों में मैच शुरू होने वाला है, देखने ना भूलिएगा हमारे टॉकिंग स्पोर्ट। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।